राया की सरकारी मंडी समिति में से किसान की बाजरा की 122 बोरी चोरी हो गई, जिसके बाद किसानों ने हंगामा किया और मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। मंडी में इससे पहले भी कई चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। दरअसल इस समय मंडी में बाजरा का सीजन चल रहा है और किसान अपना बाजरा लेकर बेचने को व्यापारियों के यहाँ आ रहे हैं। अगर उसी दिन तुलाई नहीं हो पाती तो किसान मंडी की सुरक्षा और व्यापारियों की दुकान को सुरक्षित मानकर अपने माल को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे दूसरे दिन आकर अपने माल को बेच सकें। इसी भरोसे पर किसान ने अपने 122 कट्टे बाजरा के आड़तिया के पास छोड़ दिए। जब अगले दिन आड़तिया अपनी दुकान पर पहुंचा, तो देखकर घबरा गया। किसान के 122 कट्टे बाजरा के गायब हो चुके थे। फोन पर किसान को सूचना दी कि उसका बाजरा चोरी हो चुका है। आनंद फानंद में किसान मंडी समिति पहुंचा और जानकारी ली तो पता लगा कि उसके माल के कट्टे चोरी हो गए हैं। वहीं मंडी प्रबंधन से बात की गई तो उनका कहना था कि सीसीटीवी तो हैं, मगर काम नहीं कर रहे। इससे यही माना जा सकता है कि मंडी समिति भी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। वहीं किसान ने बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, मगर जब तक किसान रहते हैं तभी तक सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं। उसके बाद पता नहीं चलता कि वे कहाँ चले जाते हैं या फिर सो जाते हैं, जिस कारण से ये माल चोरी हुआ है। जबकि इससे पहले राया मंडी की बात करें तो चोरी की कई वारदातें पहले भी हो चुकी हैं, मगर प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। इस घटना के होने के बाद और भी किसान अपने माल को लेकर घबराने लगे हैं। अब देखना होगा कि मंडी समिति किसानों के दर्द को किस रूप में लेती है और किसानों के माल और मंडी समिति की सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। मंच न्यूज के लिए राया से संवाददाता जय सारस्वत की रिपोर्ट। और ये बाजरा मेरा रखा हुआ था यहाँ पे, 122 कट्टे चोरी हो गए और दीवार के पीछे से ले जाकर। आपको कैसे पता चला ये चोरी हुई आपके यहाँ? मेरे को सुबह मालूम पड़ी, दूसरे व्यापारी ने बताया कि यहाँ से माल चोरी हो गया है। तो फिर आपने किसी को सूचना दी? सूचना मैंने मंडी वालों को दी तो उन्होंने कोई गार्ड नहीं आया, और मंडी वाले आए कि हमारे हम आके देखें। तो यहाँ जैसे रात को सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्या उनकी देखभाल नहीं होती? क्या लगता है रहते हैं, जब तक हम रहते हैं तब तक रहते हैं, वो सो जाते हैं, पीछे कोई नहीं देखता। क्या लगता है आपको ये चोरी कैसे हुई होगी? ये चोरी तो जो है मंडी वाले जो गार्ड हैं वो कोई देख रेख करते नहीं है, कोई कई बार चोरी हो चुकी है, कोई देख रेख नहीं है उसकी। अच्छा, मंडी समिति वाले आपने जब शिकायत की तो क्या आश्वासन आपको दिया है उन्होंने? वो कह रहे हैं कि आप जो है रिपोर्ट दर्ज कराओ और जानकारी से पुलिस उसकी थांग लगाएगी। मंडी में ये क्या कंडीशन है? ये समय खराब चल रहा है। कितने दिन से खराब चल रहा है? क्या तुमने अपने अधिकारियों को बताया कि इतने दिन से खराब चल रहा है? सर ये आए दिन समस्याएं आती रहती हैं, चोरी के पहले भी कई चोरी हो चुकी हैं, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हो पाया है, फिर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद भी ये कंडीशन निकल के आ रही है। खुलासा तो पुलिस करती है सर, जब भी रिपोर्ट कर देंगे तो पुलिस से खुलासा करेंगे। नहीं तो क्या मंडी समिति की तरफ से कोई गार्ड वगैरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, गार्ड की व्यवस्था है। फिर भी यही दिक्कत आती है, क्यों आती है सर? क्या मतलब लापरवाही मानूँ, क्या मानूँ इसमें? अब मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस FIR दर्ज हो तो पुलिस पकड़े चोर कौन है क्या है। तो क्या पहले चोरी हुई तो कोई FIR दर्ज नहीं कराई गई? पहले अध्यक्ष जी बैठे हुए, अध्यक्ष जी बताएंगे। अध्यक्ष जी,